नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जैसा कि मैं आपको कुछ ज्योतिष के ऐसे सूत्र बता रहा हूँ जो बहुत बेसिक हैं और जिनका प्रेडिक्शन से बहुत इस्तेमाल होता है। एक पार्ट वन में मैंने कुछ सूत्र आपको बताए हैं, अब ये इसका पार्ट टू है। इसमें भी मैं आपको कुछ नए तरह के सूत्र सिखाता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब भी आप प्रेडिक्शन करें तो उन चीज़ों का ध्यान में रखें। एक तो प्रेडिक्शन करते वक्त आपको हमेशा ये मालूम होना चाहिए कि आपका जो केंद्र भाव होता है, केंद्र भाव कौन सा होता है आपका, 1, 4, 7, 10, ये आपका केंद्र भाव होता है। नंबर वन भाव को आप हमेशा केंद्र भाव ही मानिए, इसको त्रिकोण भाव मत मानिए। त्रिकोण भाव सिर्फ 5 और 9 होते हैं, लेकिन काउंटिंग के लिए, जब त्रिकोण भाव की बात करते हैं, काउंटिंग के लिए 1, 5, 9 इस्तेमाल किया जाता है। बट वैसे अगर हम बात करें तो ये पहला भाव केंद्र भाव ही आता है। तो केंद्र भाव हमारा ये 1, 4, 7 और 10, ये हमारे केंद्र भाव कहलाते हैं। पहला, उससे चौथा, ये हमारे केंद्र भाव कहलाते हैं। अगर कोई हमसे ये पूछे कि केंद्र भाव कौन से हैं, तो हम कह सकते हैं कि 1, 4, 7, 10 हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमसे कोई ये पूछे कि धन का केंद्र कौन सा है, क्योंकि कई शास्त्रों में ये लिखा हुआ होता है कि ये धन से केंद्र में गया है, ये ग्रह धन से केंद्र में गया है, तो इसलिए बहुत यूजफुल है। तो आप उसका इंटरप्रिटेशन कैसे लेंगे कि धन से केंद्र में गया है का मतलब क्या हुआ? तो लगन से केंद्र तो 1, 4, 7, 10 है, तो धन से केंद्र कैसे निकालेंगे कि धन भाव को लगन बना लेंगे, इसको नंबर दो को लगन बना लेंगे, और उससे चौथा देखेंगे तो पांचवा आ गया, उससे चौथा देखेंगे तो आठवां आ गया, उससे चौथा देखेंगे तो ग्यारहवां आ गया। यानी 2, 5, 8, 11, ये हमारा धन का केंद्र हो गया। धन का केंद्र अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो कुछ नहीं है, पर एक छोटी सी कुंडली बनाइए, ये देखिए, यहाँ पे ये कुंडली बनाएंगे तो जिसका केंद्र आपको निकालना है उसको आप लगन मान लीजिए। यहाँ आपने ये दो नंबर को लगन माना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, तो आपने दो नंबर को यहाँ लगन मान लिया, तो इसका केंद्र हम देखेंगे तो ये वाला केंद्र मिलेगा, ये वाला केंद्र मिलेगा, ये केंद्र मिलेगा, ये केंद्र मिलेगा, 2, 5, 8, 11। इनको पनफर भाव भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर किताबों में या जो बड़ी बड़ी क्लासिकल बुक्स हैं, जहाँ शास्त्र हमारे हैं, बृहत पाराशर गौड़ शास्त्र फलदीपिका, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं कि पनफर भाव में कोई ग्रह चला गया या पनफर भाव में सारे ग्रह हों तो ऐसा ऐसा योग बनता है। तो वो सब चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली बात होती है। इसी प्रकार से अब कोई पूछे कि बल का केंद्र क्या है, पराक्रम का केंद्र क्या माने, पराक्रम से केंद्र में गया है। कोई बोलता है कि ये ग्रह पराक्रम से केंद्र में गया है, तो उसका मतलब क्या हुआ? यानी पराक्रम का भाव हो गया थर्ड, तो थर्ड को यहाँ लगन बना लेंगे, और थर्ड का फिर चौथा, यहाँ से चौथा दिए 1, 2, 3, 4, ये आपका 6 नंबर आ गया, यानी ये आपका केंद्र हो गया, और इसके बाद 9 नंबर आपका केंद्र हो गया, और आपका फिर ये 12 नंबर आपका केंद्र हो गया, क्योंकि उससे चौथा, उससे चौथा, उससे चौथा, ये आपका केंद्र हो गया। तो 3, 6, 9, 12, ये आपका केंद्र हो गया, यानी ये हुआ हमारा बल का केंद्र, पराक्रम का केंद्र। और इस भाव को बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग बोलते हैं अपोकुलिम भाव। ये मैं आपको बहुत दरअसल बेसिक चीज बता रहा हूं स्टार्टिंग की, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि प्रेडिक्शंस के अंदर इनका बेइंतहा इस्तेमाल है। और जब भी आप कभी चीज़ें पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे या जितनी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ेंगे, उनके अंदर ये नहीं लिखा होगा कि चौथे भाव में गया है या पांचवें भाव में गया है। वहाँ पर ये बोलते हैं कि ये ग्रह धन से केंद्र में गया है, या ये ग्रह आपका पनफर भाव में गया है, ये ग्रह आपका अपोकुलिम भाव में गया है। तो ऐसी ही हर भाव का केंद्र आप निकाल सकते हैं। तो हमने बल केंद्र निकाला, जब इसका केंद्र निकालेंगे तो केंद्र ही आ जाएगा इसका भी, 4, 1, 7, 10। इससे चौथा निकालेंगे 1, 2, 3, 4, तो 7 आ गया, उसे चौथा निकालेंगे 1, 2, 3, 4 आ गया, उसे चौथा निकालेंगे 1, 2, 3, 4, ये 4, 7, 10, 1 आ गया। तो इस तरीके से ये रिपीट होता चला जाएगा। तो ये तो हुआ केंद्र के बारे में कि जब हम बात करते हैं केंद्र की। इसी प्रकार कई श्लोक जो मिलते हैं, उन श्लोक में लिखा होता है कि इस भाव से त्रिकोण में गया है। मतलब मैं आपको ये क्यों बताना चाह रहा हूँ, देखिए त्रिकोण क्या होते हैं। मैंने जैसे आपसे पहले कहा था कि पहले भाव को आप हमेशा केंद्र मानिए, लेकिन काउंटिंग पर्पस के लिए जब त्रिकोण की बात करें तो फर्स्ट नंबर हम काउंट कर सकते हैं। तो पहला, पांचवा, नवा, ये फर्स्ट त्रिकोण होता है।
दिस फर्स्ट त्रिकोण, यानी पहला, पांचवा और नवा, ये आपका पहला त्रिकोण हो जाता है। दूसरा त्रिकोण आपका क्या होता है, जो धन का त्रिकोण हुआ, ये तो आपका लग्न का त्रिकोण हुआ। अब देखिए धन का त्रिकोण क्या हुआ, धन का त्रिकोण में इससे पांचवा और फिर उसका उससे आगे नवा, इससे नवा, इससे नवा हो गया, क्योंकि पहले का पांचवा हो गया, पांचवे से नवा हो गया, तो दूसरे से पांचवा और फिर वहाँ से नवा हो गया, तो आपका दूसरा केंद्र आपको त्रिकोण मिलेगा। तो ये त्रिकोण आपका आएगा 2, 6, 10। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ धन का, आपको दिख रहे हैं कि त्रिकोण कौन सा है। तो ये 2 नंबर भाव है, इससे पांचवा देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो 6 आ गया, और इससे आगे फिर 7, 8, 9, यानी नवा भाव आपका जो है ये 10 नंबर आ गया, ये 7, 8, 9 इस पर आएगा, सॉरी 6, 7, 8, 9 यहाँ आ गया आपका। तो 2, 6, 10, यानी 2, 6, 10 आपका इस स्थिति में त्रिकोण हो गया। इसी प्रकार तीसरा त्रिकोण जो आपका आ जाएगा वो 3, 7, 11, एक नंबर बढ़ा लेंगे इसमें, 3 हो जाएगा, यहाँ से 1, 7 बढ़ जाएगा, यहाँ से 10, 11 बढ़ जाएगा, मतलब गैप वही रहेगा बीच में। देखिए 1 और 5 के बीच में 4 गैप है, 5 और 9 के बीच में 4 गैप है, वही 4 का गैप रहेगा हर जगह त्रिकोण में, 3 के बीच में 7, 4 गैप है, 7 से 11 के बीच में 4 गैप है, और लास्ट त्रिकोण हो गया आपका 4, 8, 12। ये आपकी प्रेडिक्शंस में बहुत इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। अभी जो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको चीज़ें कुछ बताऊंगा प्रेडिक्शन करते वक्त, कुछ फार्मूलेज, ये वाले फार्मूलेज दूंगा, तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि ये हमें क्यों याद रखने हैं कि धन भाव का त्रिकोण कौन सा होता है, बल भाव का त्रिकोण कौन सा होता है, या पहला त्रिकोण होता है 1, 5, 9, दूसरा त्रिकोण होता है 2, 6, 10, 3, 7, 11, अगर कहीं भी कोई भाव है 7वां आपसे पूछे कि भाई इस भाव का त्रिकोण भाव बताइए कौन से हैं, क्योंकि कई कुंडलियों में, कई शास्त्रों में ऐसा लिखा होता है कि जिस राशि में ग्रह है उस राशि से त्रिकोण में अगर कोई दूसरा ग्रह आए तो ये इस भाव के फल मिलते हैं, एक्टिव होता है भाव। तो कैसे लगाएं, अगर 7वें राशि में कोई ग्रह है तो 7वीं राशि का त्रिकोण कौन सा हुआ वो हमें लगाना पड़ेगा। तो सिंपल है, क्योंकि एक त्रिकोण होता है 3, 7, 11, तो इसका मतलब 7वीं राशि, 3री राशि और 11 नंबर राशि, ये इसका त्रिकोण बन गया। इसी प्रकार कोई बात करता है कि 8 नंबर राशि का त्रिकोण कौन सा है, तो 8 नंबर राशि का त्रिकोण हो गया 8, तो जो खुद है वो तो हो ही गया, और 4 हो गया और 12 हो गया। तो इस तरीके से आप हर भाव का त्रिकोण निकाल सकते हैं, यानी ये 4 त्रिकोण याद करके आप हर भाव का त्रिकोण निकाल सकते हैं हर राशि का, क्योंकि इसमें 1 से लेकर 12 तक राशि सारी कवर हो गई है। तो 12वीं राशि का त्रिकोण कौन सा होता है, तो 4, 8 हो गया। 11वीं राशि का त्रिकोण कौन सा होता है, तो 3, 7 हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जितने भी क्लासिकल्स हैं, आगे मैं कुछ फार्मूलेज आपको बताऊंगा, तो उस फार्मूलोज में इनका बहुत इस्तेमाल है कि क्या इनका इसके अंदर आपको देखना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा मैं आपको बताने चाहता हूँ जैसे कि एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत ही, जो आपने शायद थोड़ा, मैं बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूँ वहाँ पे बहुत, और देखिएगा जब उस चीज़ को जब आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि मैं क्या चीज़ बताई है। देखिए कई लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत मेहनत करते हैं और बहुत काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो एक पर्टिकुलर हाइट तक जाते हैं, से एक्स हाइट तक जाते हैं, यहाँ जाके वो रुक जाते हैं। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो बहुत कम मेहनत करते हैं और वो चले जाते हैं वाई तक। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से अंबानी मेहनत करते हैं, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे जो इतनी मेहनत करते हैं लेकिन वो यहाँ से यहाँ तक ही पहुँच पाते हैं और वो वहाँ से यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो हम लोग कहते हैं कि ये पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। कई बार हम देखते हैं, एक आदमी कहता है कि कई बार देखते हैं कि बिल्कुल निठल्ला आदमी होता है या आराम से बैठा हुआ घर में होगा, थोड़ा बहुत उसने काम किया, थोड़ा बहुत काम करता है और बड़ा अच्छा प्रॉफिट ले जाता है। एक दूसरा आदमी है जो बहुत ज़्यादा बेचारा मेहनत करता है, उसके बाद भी उसको प्रॉफिट पूरा नहीं मिल पाता, तो वो कैसे पॉसिबल होता है? वो पॉसिबल होता है पुराने जन्मों के कर्मों के हिसाब से। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो कौन सा ऐसा हाउस है जो हमारे पुराने जन्मों के कर्मों को बताता है? 5 नंबर हाउस, जो हमारे पुराने जन्म के कर्मों को बताता है। क्यों बताता है ये आप ध्यान रखने की कोशिश कीजिए, इसका मैं बताता हूँ आपको आंसर क्यों बताता है। ये 12वां भाव है मोक्ष का भाव, और ये है लाइफ का संघर्ष 6ठा भाव। तो 12वें से अगर आप 6ठा गिने, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
यानी ये आपका पिछले जन्म पे कर्म आ गए, मतलब जो लाइफ में संघर्ष आप इस जन्म में कर रहे हैं मोक्ष से पहले आपके मतलब क्या थे वो वाला आ गया इसके अंदर। ये मोक्ष का भाव है, ये लाइफ का संघर्ष है। तो मोक्ष से लाइफ का संघर्ष पांचवा छठा भाव हो गया, तो ये छठा भाव आ गया बारहवें से, तो इसके अंदर पांचवा भाव हमारा पुरानी दैवी कर्मों का आ गया। तो ये देखना ज़रूरी है कि जो लोग बहुत कम मेहनत करके बहुत ज़्यादा अर्न कर लेते हैं तो उनका पांचवा भाव जरूर देखिएगा, वो स्ट्रांग होगा। पांचवा भाव स्ट्रांग होगा, दसवां तो स्ट्रांग होगा ही क्योंकि दसवां भाव व्यवसाय का है, कर्म का है, सब चीज़ें हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर पांचवा भाव भी स्ट्रांग हो तो समझिए कि आपके बारे में आ रहे हैं, आप बहुत तरक्की दुनिया में कर जाएंगे। कई लोग बहुत अच्छा कर्म करते हैं, कर्म भाव भी उसका अच्छा है, लेकिन फिर भी वो तरक्की नहीं कर पाते क्योंकि ये पांचवा भाव उनका जो है ये वीक होता है। तो ये देखना जरूरी है कि पांचवा भाव कैसा है। व्यापार तो देख लोगे आप दसवें भाव से, ये व्यापार है, टेंथ हाउस से आप देख लीजिए। लेकिन अगर आपने बड़ा व्यापार देखना है किसी का कि यार ये कितना बड़ा व्यापार होगा, 1000 करोड़ का व्यापार ये होगा, 10000 करोड़ का व्यापार ये होगा, 2000 करोड़ का होगा, तो साथ में आपको पांचवा हाउस भी देखना पड़ेगा। यहाँ से तो आप 50 करोड़, 40 करोड़, 30 करोड़ तक के देख सकते हैं खाली मुश्किल से, लेकिन उससे ऊपर आपको करोड़ों में जाना है, हंड्रेड्स ऑफ करोड्स में जाना है, तो जाहिर सी बात है कि आपको दसवें हाउस के अलावा पाँचवा हाउस भी देखना होगा जो कि आपका बड़ा व्यापार बताता है। और वो जब भी अच्छा होगा आपका जब आपके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे होंगे जिसकी वजह से आपको फ़ायदा मिल रहा होगा। तो ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, अब इसमें आगे आने वाले वीडियोस में मैं और अनोखे सूत्र आपको बताऊंगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा चैनल को मेरे, मोटिवेशन बना रहता है। थैंक यू, जय श्री कृष्ण।